सो नाउ स्टूडेंट्स अभी हमने जो मजेंटो शॉप है उस पर एज अ एडमिन हमने लॉग इन करके देखा उसके डिफरेंट पैनल की ऑप्शन देखी फिर हमने ये देखा कि कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है प्रोडक्ट्स आपने कैसे ऐड करनी है और प्रोडक्ट को आपने कैटेगरी के साथ मैप कैसे करना है और वो फिर अ, जो क्लाइंट साइड है जो वेबसाइट है एक्चुअली जो मैं और आप देखेंगे वहाँ पे वो वो कहाँ पे और कैसे व्यू होती है दैट वाज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सेकेंड स्टेप वॉज कि आपने जो वेबसाइट है उसके इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स के साथ हाउ यू कैन प्ले अराउंड और जो कस्टमर की शिपिंग uh, या बिलिंग की इंफॉर्मेशन है या जो डिटेल्स हैं वो आप ऑफलाइन कैसे एक्सेस कर सकते हैं ऑफलाइन से मुरादी होती है कि आपके पास uh, एक ऑर्डर जनरेट हो गया फ्रॉम द क्लाइंट और बाय चांस जो क्लाइंट है उसने आपको ऑर्डर के अंदर इंफॉर्मेशन जानबूझ के गलत दे दी या बाय मिस्टेक गलत दे दी अब क्लाइंट के पास ऑप्शन नहीं है ऑर्डर को जो डिटेल्स हैं वो चेंज करने की तो वो आपसे ऑफलाइन वाया ई मेल फोन नंबर एक्सेस कर रहा है आपको कॉन्टेक्ट कर रहा है तो आप वो जो बिलिंग इंफॉर्मेशन है ऑर्डर के अगेंस्ट या जो कस्टमर शिपमेंट इंफॉर्मेशन है वो आप एडिट कैसे कर सकते हैं ये हमने अभी देखा अब आ जाए दूसरा एस्पेक्ट ऑफ मेजेंटो क्लाइंट साइड अभी हमने सारी चीजें एडमिन साइड की देखी थी एंड देर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच यू कैन प्ले अराउंड तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आपको मेजेंटो का जो बेसिक ओवरव्यू है वो हम बता दें नाउ मूविंग फॉरवर्ड अब हम ये देखते हैं कि मैं और आप एज अ क्लाइंट ऑफ दिस स्टोर हम शॉपिंग कैसे कर सकते हैं जो कि मेन रेवेन्यू अर्निंग चीज है हाउ आई कैन हाउ आई कैन सेलेक्ट अ प्रोडक्ट हाउ आई कैन एड माई प्रोडक्ट टू कार्ट एंड सो ऑन सो अस ट्राई टू नाउ हैंडल दिस ट्रीट दिस मेजेंटो शॉप फ्रॉम द क्लाइंट व्यू पॉइंट सो सो लेट्स ट्राई डू इट सो नाउ स्टूडेंट जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब हम इसको एज अ कस्टमर वेबसाइट को ट्रीट करते हैं यानी एज अ कस्टमर लॉग इन होते हैं तो सिंपल आपने अपने मेजेंटो शॉप पर चले जाना है अब एज ए एडमिन नहीं एज अ क्लाइंट सो वन टू सेवन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन स्लैश मेजेंटो तो अब आप यहाँ पे एज अ क्लाइंट आप साइन इन कर सकते हैं आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं तो अब मैं फॉर एग्जांपल क्रिएट अकाउंट करता हूं तो मेरे पास सिंपल सा फॉर्म एक आ जाएगा जिसके थ्रू मैं रजिस्टर कर सकता हूं मैंने क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है सिंपल आपने ये बात दिमाग में रखनी है कि मैंने अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं किया हुआ तो मेरा अकाउंट यहाँ भी क्रिएट हो जाएगा यानी कोई ई वगैरह नहीं आएगी क्योंकि ये लोकल होस्ट पर हमने इसे कॉन्फिगर किया हुआ है मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ या लेट सपोज मैं शॉपिंग करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे मैन में गया और टॉप्स में गया तो मेरे पास कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए हैं अब मेरे पास यहाँ भी कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लेट्स सपोज अब यहाँ पे मेरे पास ऐड टू कार्ट आ रहा है मैं फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो लेट्स सी वेयर इट विल टेक मी अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ गया इसकी पूरी डिटेल्स आ गई अब मुझे ये सिलेक्ट करने के के है कि साइज़ क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लार्ज को सिलेक्ट करता हूँ और जो कलर है लेट सपोज मैं ग्रे को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ये देखें वही इमेजेस आ रहे हैं जो प्रोडक्ट ऐड करते वक्त हम लोग अपलोड करेंगे तो ये इसके डिफरेंट तीन इमेजेस हैं उसके बाद मैंने इसका कलर ग्रे सिलेक्ट किया क्वान्टी लेट सपोज मैं दो कर देता हूँ और ये भी मुझे दिखा रहे हैं देखें ये वही ऑप्शन दिखा रहा है जो हमारे पास प्रोडक्ट ऐड करते वक्त आ रही थी इन स्टॉक मौजूद है यानी अवेलेबल है और इसका एस नंबर कोई है एम कोई प्रोडक्ट नंबर है बॉटम में आप देखें डिस्क्रिप्शन आ रही है जस्ट ट्राई टू मैप दीज कॉम्पोनेंट्स ये जो हमने इससे पहले डिस्कशन की थी कि शॉपिंग कार्ट के क्या क्या कॉम्पोनेंस होने चाहिए तो हमने सबसे क्रिटिकल कॉम्पोनेंट कहा था कि प्रोडक्ट होना चाहिए उसकी वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन डिटेल्स होनी चाहिए यानी इमेज डिटेल्स और रिव्यूज अगर हैं वो होने चाहिए मैं इसको रेट कर सकता हूँ अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है फॉर एग्जांपल मटेरियल आ रहा है उसमें फ्लीज आ रहा है हेम्प आ रहा है पोलियस्टर आ रहा है कलर पैटर्न सो ऑन तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद है अब लेट सपोज मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ तो अब ये कार्ट में ऐड कर रहा है अब आप यहाँ देखें ये ऊपर यहाँ पे ये शॉपिंग कार्ट नज़र आ रहा है मुझे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब इसी कार्ट को मैं एडिट भी कर सकता हूँ बिल्कुल वैसा ही फ्लो है जैसे किसी भी शॉपिंग कार्ट का होता है अमेजोन का होता है ई बी ए का होता है अभी बिल्कुल मेरे पास आ रहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं करता हूँ क्वान्टिट्टी इसकी मैं थ्री कर देता हूँ डेट सपोज और मैं यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और यहाँ पर इसको मैं और भी एडिट कर सकता हूँ मैं अपडेट शॉपिंग कार्ट किया तो अब आप देखें इसे यहाँ पे अमाउंट को अपडेट कर दिया ऑटोमेटिकली फिफ्टी फोर रुपीज़ का एक है जब थ्री पे किया तो वन सिक्सटी टू आ गया और यहाँ पे टैक्स मैंने कोई रखा नहीं था ये टैक्स की अमाउंट वही है मतलब ये टैक्स वही है जो मैंने प्रोडक्ट को ऐड करते वक्त रखा था ना नो टैक्स ये वही अप्लाई कर रहा है अगर वहाँ मैंने कुछ टैक्स रखा होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता अब टेबलेट सपोज प्रोसीड टू चेकआउट ये मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझे चेकआउट वाले पेज पर ले जाएगा अब ये मुझे शिपिंग एड्रेस पूछ रहा है ईमेल एड्रेस मेरा मौजूद है यू कैन क्रिएट एन अकाउंट आफ्टर चेकआउट अब आप ये देखें ये मुझे बेसिकली गेस्ट के तौर पर भी यहाँ पे साइन इन करने दे रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़र्स्ट नेम शराज प्रवेश उसके बाद यहाँ मैं कुछ इसे एड्रेस देता हूँ लेट सपोज यू दे देता हूँ लाहौर सिटी में कर देता हूँ एंड प्रोवेंस में कर देता हूँ कंट्री में कर देता हूँ फ़ॉर एग्जांपल पाकिस्तान और प्रोविंस स्टेट में फॉर एग्जांपल लाहौर स्लैश पंजाब कर देता हूँ पोस्टल कोड मैं फ़ाइव ट्रिपल जीरो जो पाकिस्तान का है वो कर देता हूँ और फ़ोन नंबर मैं कोई यहाँ पे कोई भी डमी एंटर कर देता हूँ उसके बाद उसने जो शिपिंग मेथड है उसने फिफ्टीन जो जो पी के आर है यानी एडिशनल पंद्रह रुपये मुझसे लेगा जो कि फ़िक्स है और फ्लैट है मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर क्रिएट हो गया है और उसके बाद ऑर्डर की डिटेल्स आ गई हैं अब वो कह रहे हैं कि जी आपका अमाउंट जो है जो पेमेंट मेथड है वो माय बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस आर द सेम अब वो कह रहे हैं कि आर यू श्योर कि आपने ऑर्डर प्लेस करना है लेट सपोज मैं यहाँ पे ये ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ नाउ इट इज़ प्लेसिंग द ऑर्डर अब आप देखें यहाँ पर उसने शिपिंग में यहाँ पर फिफ्टीन रुपीज़ और ख़ुद से ऐड कर दिए हैं वन में फिफ्टीन ऐड किए वन और एक आइटम दिखा रहा है और शिपिंग एड्रेस हमारे पास ये है और यहाँ पे शिपिंग मेथड भी हमारे पास आ रहा है तो अब यहाँ देखें दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी मीन आपको ये अगर मैसेज आ रहा है थैंक्स फॉर योर परचेज योर ऑर्डर नंबर इज़ थ्री आ रहा है वी विल ई मेल यू आफ्टर दिस अब आप ये देखें मैंने लॉग इन कहीं नहीं किया जो हमने ये डिस्कस किया था ना इससे पहले कि गेस्ट साइन इन होना चाहिए तो गेस्ट साइन इन के बगैर ही मैंने लॉग इन किए बगैर ही शॉपिंग पूरी कर ली है और मैं साइन इन करने के बाद भी शॉपिंग कर सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है मैं साइन इन करूँगा तो साइन इन करने के बाद भी मैं बिल्कुल सेम प्रोसेस मैं परफॉर्म कर सकता हूँ मैंने जानबूझ के एज अ गेस्ट साइन इन इसलिए किया था कि आपको ये दिखा सकूँ कि लॉग इन होने के अब देखें लॉग इन होने के बग़ैर भी मैं शॉपिंग कर सकता हूँ अब मैं साइन इन हो गया हूँ तो साइन इन करते वक्त देखें मैंने शॉपिंग कार्ट इससे पहले क्रिएट किया हुआ था लेकिन अभी चेकआउट नहीं किया था तो यहाँ पे साइन इन करने के बगैर या साइन इन करने के साथ चेकआउट का प्रोसेस सेम ही है तो जो हमने शॉपिंग कार्ट की जो हमने फीचर्स डिस्कस किए थे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा था कि गेस्ट साइन इन यानी चेकआउट का प्रोसेस हमने सिंपल रखना है वो देखें यहाँ मेजेंटों में हमारे पास सपोर्टेड है